Hello. So today we are just going to conduct a special webinar, seminar, a workshop on fundamental analysis, technical analysis of stock market. तो आज के session में हम जो चीजें करने वाले हैं वो बहुत सारे आपके काम की हैं. आप अगर students हैं तो आपके लिए काम की हैं, आपके parents के लिए काम की हैं. In fact अभी video ये थोड़ा लंबा चलेगा, मजे से आप enjoy करेंगे. बहुत सारे points हैं इसमें. आपको लग रहा है कि आपके पेरेंट्स भी साथ में करेक्ट हो सकते हैं, मोस्ट वेलकम. और क्या क्या आपको करना है सर्टिफिकेट के लिए, सर्टिफिकेट वाला तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट है प्रोसेस, जो प्रोसेस हो रही है दैट इज मोर रेलेवेंट. जो आउटकम है वो सर्टिफिकेट होगा, वो आपके लिए केवल एक टेस्टिमोनियल, एक सर्टिफिकेट वो आपको मिल जाएगा. सर्टिफिकेट के लिए क्या करना है, लेट यू नो व्हाट यू हैव टू डू. अभी आप जो कन्वर्सेशन कर रहे हैं दैट इज गोइंग इनटू चैट बॉक्स, इसमें आप अपना नाम लिख देंगे या प्रेजेंट लिख देंगे. लेकिन 2:45 या 3 o'clock के बीच में जब ये सेशन हम वाइंड अप करेंगे, उसके 10 मिनट बाद ये वीडियो जो है YouTube से प्रोसेस होके फिक्स हो जाएगा. लिसन व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सर्टिफिकेट. तो 3 o'clock के बाद या मान लो 3:15 से 3:45, आपको हाफ एन आवर का टाइम दे रहे हैं, 3:45 से 3:45 के बीच में इस पूरे कन्वर्सेशन से आपका क्या फीडबैक है वन थिंग, और अपना पूरा नाम कैपिटल लेटर्स में. तो ऊपर अपना पूरा नाम लिखोगे फर्स्ट नेम एंड सर नेम कैपिटल लेटर्स में, और जो आपने इस प्रोग्राम से जो आपका एग्जैक्ट फीडबैक है यू विल लेट अस नो. और साथ में आपको किसी और टॉपिक में भी चाहिए तो वो आप लास्ट में अलग से लिख सकते हैं. तो फर्स्टली यू हैव टू मेंशन योर फुल नेम अलोंग विद योर फीडबैक, और फिर आपको और कुछ चाहिए तो उसको सेपरेट कमेंट में लिख दोगे. 3:15 से 3:45 में आप कमेंट कर दोगे, कमेंट के सारे नेम्स को हम फिल्टर कर लेंगे और फिर हम आपको ई सर्टिफिकेट इशू कर देंगे. सो नाउ वी आर जस्ट अबाउट टू स्टार्ट आवर ऑनलाइन सर्टिफिकेशन इन फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस. इन दिस सेशन, केवल इसी सेशन में जो हम चीजें कवर करने जा रहे हैं वो देखते हैं. वी आर गोइंग टू कवर फंड्स एलोकेशन, हमें अपने फंड्स को, बीइंग इन्वेस्टर हमें अपने फंड्स को कैसे डाइवर्सिफाई करना चाहिए. दैट इज द फर्स्ट स्ट्रेटजी टू बी अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर. एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर होने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, ये सब आप पेपर पे कहीं नोट करते हो. बाद में आपको ये सब YouTube पे मिल जाएगा, लेकिन आप ये की पॉइंट्स आप पेपर पे नोट कर लोगे. एंड आई कैन एश्योर कि इस सेशन के बाद आप नॉलेज वाइज अपने आप को बहुत एम्पावर्ड फील करने वाले. यू कैन जस्ट नोट इट डाउन एंड जस्ट क्रॉस चेक थ्रू योर फीडबैक एंड कमेंट. जस्ट मेक श्योर एक घंटे बाद हम देखेंगे कि आप में कितना रिवोल्यूशनरी चेंज आया है. चाहे आप सीए वाले स्टूडेंट इसमें हो, चाहे आप इसमें फाउंडेशन के स्टूडेंट हो, फाउंडेशन प्लस के हो, ग्रेजुएशन कर चुके हो, स्टूडेंट हो, देयर आर सो मेनी प्रोफेशनल्स. मैंने कल जो देखा जो गूगल फॉर्म्स पे फीडबैक मिला, देयर आर सो मेनी प्रोफेशनल दोस हु आर वाचिंग दिस वीडियो. वो सारे लोग या आपने 10th पास करा हो, 11th पास करा हो, कहीं से भी आपकी जर्नी, यू आर जस्ट गोइंग टू एंजॉय ऑल दिस थिंग्स. लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हमें बीइंग इन्वेस्टर क्या करना चाहिए, हमें अपने फंड्स को एलोकेट करना चाहिए. व्हाट इज मीन्ट बाय फंड्स एलोकेशन, फंड्स एलोकेशन का मतलब क्या होता है इसको देखते हैं. फंड्स एलोकेशन का मतलब यह है कि अगर आपके पास 100 रुपीस है, इफ यू आर हैविंग 100 रुपीस, तो यू शुड क्रिएट अ बास्केट. आपको फंड्स की बास्केट क्रिएट करनी चाहिए. और हम लोग क्या करते हैं, ओवर एलोकेशन कर देते हैं. जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ ओवर एलोकेशन. और यही से आप देखेंगे, मैं सारे एग्जांपल वो दूंगा जो प्रैक्टिकल लाइफ में आप अपने घर में देखते हैं. आप में से तमाम लोगों के जहां कनेक्ट कर रहे हो बीच में मुझे आप लिख के बताएंगे. तमाम लोग ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स का पैसा किसी आपके पेरेंट्स का पैसा आपको दिखेगा किसी इन्वेस्टर के पास फंस गया है. आपके पेरेंट्स ने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करा था और वो पैसा आपका किसी बिल्डर के पास ब्लॉक हो गया है. बिल्डर आपको पोजेशन नहीं दे रहा है. लैंड में पैसा लगा दिया था और लैंड के ऊपर किसी ने इंक्रोचमेंट कर लिया है, लैंड के ऊपर कब्जा कर लिया है. अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम. व्हाट इज दैट प्रॉब्लम, कि आपने ओवर एलोकेट कर दिया. आपके पास 1 करोड़ रुपया था, आपने पूरा जमीन में लगा दिया और वो जमीन के ऊपर कुछ लीगल इशू हो गया तो आपको वहां पे क्राइसिस हो गई. क्योंकि जिस दिन आपने 1 करोड़ आपके पास था और पूरा जमीन में लगा रहे थे तो आपको सोचना चाहिए था देयर शुड बी आइडियल फंड्स एलोकेशन. हमेशा आपको ध्यान रखना है, आपके पेरेंट्स भी ये काम कर रहे होंगे, यू हैव टू वॉर्न देम. आपको उनको वॉर्न करना है, यू हैव टू मेक देम अवेयर कि पापा डोंट एलोकेट आवर फंड्स. आपके जो भी पेरेंट्स हैं, यू हैव टू जस्ट मेक देम अंडरस्टैंड कि पूरे फंड्स किसी एक जगह नहीं जाने चाहिए. आप कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, फ्लैट खरीद लेते हैं, बाद में पता चला कि वो जो बिल्डर था उसका अप्रूवल नहीं था, वो बिल्कुल हैंड टू माउथ हो गया कि हमारा पूरा पैसा उधर ब्लॉक हो गया. तो आपको क्या काम करना है यहाँ पर, यू हैव टू अंडरस्टैंड फंड्स एलोकेशन. बहुत सारे लोग गोल्ड में पैसा लगा देते हैं, पूरा पैसा गोल्ड में लगा दिया. अभी देखा जाए गोल्ड अपने लाइफ टाइम हाई पे, गोल्ड कितने पे, अपने लाइफ टाइम हाई पे 50
हाउसिंग पर 10 ग्राम से 50,000 रुपए पे पर 10 ग्राम। अब सारा पैसा गोल्ड में लगा देंगे, मान लो एक साल बाद गोल्ड का दाम हो जाए 40,000, इट मींस आपको नेगेटिव रिटर्न्स मिले 20% के, आपको नेगेटिव रिटर्न्स मिले। यू शुड वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। तो आपको फंड्स एलोकेशन इस तरीके से देखना है कि आपके जो भी अमाउंट है वो केवल किसी एक जगह ना इन्वेस्ट करें। तो यू शुड सेट फंड्स एलोकेशन थ्रू 3-4 मींस। सर्टेन अमाउंट आपका गोल्ड में होना चाहिए, वी शुड इन्वेस्ट समथिंग इनटू गोल्ड, हमें गोल्ड में पैसा लगाना चाहिए। एट द सेम टाइम वी शुड आल्सो इन्वेस्ट समथिंग इनटू रियल एस्टेट, लैंड, बिल्डिंग, फ्लैट में पैसा लगाना चाहिए। वी शुड आल्सो इन्वेस्ट इनटू इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इट इज अगेन अ वेरी गुड प्रोडक्ट। इंश्योरेंस भी एक बढ़िया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आपको इंश्योरेंस में मिलता है और आपको इन्वेस्टमेंट में मिलता है। तो इंश्योरेंस में भी आपको अपना पैसा लगाना चाहिए। तो सब जगह आपको अपने पैसे एलोकेट करना है। सपोज आपके पास 100 रुपीज है तो 20 रुपीज आपने अपना बैंक में एफडी कर देना चाहिए। बैंक एफडी बहुत सिक्योर्ड मानी जाती है। बैंक एफडी बहुत सिक्योर्ड है, व्हेनेवर वी रिक्वायर वी कैन गेट आवर फंड्स इन लिक्विड फॉर्म, तुरंत पैसा अपना बैंक से हम कैश करा सकते हैं। 20% यू कैन पुट इट गोल्ड, आप भी गोल्ड में लगा सकते हैं। 20% यू कैन इन्वेस्ट योर रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट में लगाने का मींस इन ईदर फॉर्म, आप लैंड बिल्डिंग खरीद सकते हो, आप उससे कोई अपार्टमेंट या फ्लैट खरीद सकते हो, व्हाटएवर यू चूज यहां लगा सकते हैं। अब यहां ये ध्यान रखना है कि फ्लैट और लैंड में इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस होता है, यहां भी अलर्ट होता है। लैंड में वैल्यू एप्रिसिएशन होता है, लैंड को जब हम रखते हैं लंबे समय तक तो इसकी वैल्यू बढ़ती है, लेकिन फ्लैट की वैल्यू नहीं बढ़ती है। फ्लैट में आपको रेंटल मिलना शुरू होता है और 10-15 साल बाद फ्लैट की वैल्यू घटने लगेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि डेप्रिसिएशन होगा। तो फ्लैट में फ्लैट की वैल्यू उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी, लेकिन फ्लैट में डे वन से आपको रेंट मिलने लगेगा। इट मीन्स इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है कि अगर आप फ्लैट में पैसा इन्वेस्ट करोगे और अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड है तो आपको डे वन से आप इसको किराए पे दे दो, यू कैन गेट वेरी हैंडसम रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ रेंट। लेकिन लैंड में रेंट तो नहीं मिलना है, लेकिन लैंड को होल्ड करोगे अगर 8-10 साल बाद और लीगल डॉक्यूमेंट क्लियर है तो लैंड का अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन फंड्स एलोकेशन याद रखना है, ये नहीं कि आप लैंड में लगा दें, ये रूल तो हर जगह लगेगा। तो यू कैन पुट योर मनी, यू कैन इन्वेस्ट योर मनी इन एफडी, यू कैन इन्वेस्ट योर अमाउंट इन गोल्ड, यू कैन इन्वेस्ट योर अमाउंट इन लैंड बिल्डिंग, यू कैन इन्वेस्ट योर अमाउंट इन म्यूचुअल फंड। और 20% छोड़ दे रहे हैं दैट यू कैन कीप इन कैश, बाकी का 20% आप कैश में रख लो, लगा दो, इसके अलावा आपको कहीं और लगाना यू कैन इन्वेस्ट। सो व्हाट वी हैव टू डू फॉर फंड्स एलोकेशन, पोर्टफोलियो एलोकेशन, दिस इज द थंब रूल, आपको ये आना ही चाहिए। अगर आप इसको बायकॉट करते हैं तो डेफिनेटली यू आर हेडिंग योरसेल्फ टुवर्ड्स ग्रेट अमाउंट ऑफ लॉसेस। उसमें से किसी में भी आप ऐसा ज्यादा लगा दोगे तो वहां पर रिस्क एक्सपोजर आपका ज्यादा हो जाएगा। अगर आप किसी में भी पैसा ज्यादा ओवर एलोकेट कर दो तो इट मींस आपका रिस्क ज्यादा हो जाएगा। तो थंब रूल ये है कि आपके पास 10 लाख रुपए की कैपिटल है तो 2 लाख एफडी में होना चाहिए, 2 लाख गोल्ड में होना चाहिए, 2 लाख रुपए लैंड बिल्डिंग में होना चाहिए, 2 लाख रुपए म्यूचुअल फंड स्टॉक में होना चाहिए, बाकी का 2 लाख रुपीज आप अपने मन से कहीं भी इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस में लगा सकते हो या घर में लगा रख सकते हो या सेविंग बैंक अकाउंट में। तो दिस इज अबाउट फंड्स एलोकेशन नंबर 2। अब हम आते हैं आखिरी सेगमेंट पे, म्यूचुअल फंड। तो हमको किसी स्टॉक में पैसा लगाना है शेयर मार्केट में। अच्छा, ये पूरा वीडियो जितना है, जितने भी सीरीज चलेगी, ये ट्रेडर्स के लिए नहीं है। जो बच्चे दिन में सोचते हैं कि हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके पैसा कमा लें, आज सुबह पैसा लगाएं शाम को मिल जाए, ये वीडियो उनके लिए नहीं है, प्लीज यहां से एग्जिट कर दें। क्योंकि ये लर्निंग है, इन्वेस्टमेंट एक आइडियोलॉजी है, उसमें पेशेंस चाहिए। लर्निंग के लिए आपको अपने स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे और बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, लेकिन गारंटी है कि भगवान ने आपके लाइफ में जो भी लिखा है वो तो रहेगा, लेकिन फाइनेंस कभी आपको इशू दिक्कत नहीं देगा। आप अगर 20 की एज में है देन यू कैन बिलीव इट, 30 की एज तक आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम। 30 में आप फाइनेंशियल फ्रीडम पे बैठे होंगे, आपको बस फाइनेंशियल डिसिप्लिन आना चाहिए। तो हम फाइनेंशियल डिसिप्लिन की पूरी सीरीज आपको मिलती रहेगी आगे कमिंग वीक्स में। चलिए देखते हैं व्हाट इज अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस इज ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग, फंडामेंटल एनालिसिस इज ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग द वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टिंग। हम जहां पैसा लगा रहे हैं whether that platform is correct or not, that is fundamental analysis. हम जो पैसे लगा रहे हैं, जैसे आपको दो नाम बता रहे हैं, आप सभी लोगों ने सीएट टायर्स में सीएट टायर्स का नाम सुना हुआ है, सभी लोग सुनते हैं, सीएट के बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं,
हम आपको सारे रिलेवेंट एविडेंस बताएंगे। आपने मैगी को आप जानते हैं, मैगी बनाने वाली कंपनी कौन सी है, दो चार लोग जरा टाइप करके बताएं सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड हाउ मच यू। मैगी बनाने वाली सर आप कंपनी बताओ कि मैगी कौन सी कंपनी बनाती है, मैगी जल्दी से टाइप करके बताओ। मैगी इज मैन्युफैक्चर्ड बाय व्हिच कंपनी, नेस्ले। फाइन, नेस्ले इंडिया बनाता है, वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा मार्केट प्लेयर है, नेस्ले इंडिया बनाता है। वीडियो कॉल का भी आपने नाम सुना हुआ है, वीडियो कॉल आपने नाम सुना हुआ है, हां ठीक है, इट्स ओके इट्स ओके, नो नो लेट मी जस्ट मूव अहेड। वीडियो कॉल इलेक्ट्रॉनिक्स बनाता है, ठीक है, दोनों बड़े ब्रांड रहे अपने अपने टाइम, नेस्ले भी और वीडियो कॉल भी। लेकिन वीडियो कॉल एक कंपनी ऐसी थी जो इंसॉल्वेंट हो गई, ऑलमोस्ट इंसॉल्वेंट, और नेस्ले इतनी बेहतरीन कंपनी, इतनी शानदार पेडिग्री की कंपनी, वो आगे बढ़ती जा रही। तो यहां देखना है कि जो कंपनी में पैसा लगाने जा रहे हैं, जिस हम जगह पैसा लगाने वाले हैं, जिस सेक्टर में पैसा लगाने जा रहे हैं, वहां पे ग्रोथ पोटेंशियल कितना है, वी हैव टू इवैल्यूएट द ग्रोथ पोटेंशियल, हमें ग्रोथ पोटेंशियल चेक करना है। तो ग्रोथ पोटेंशियल हम तीन लेवल पे चेक करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस इज अ थ्री डायमेंशनल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस इट इज अ थ्री डायमेंशनल एनालिसिस। बिफोर इन्वेस्टिंग आवर फंड्स वी शुड इवैल्यूएट इकोनॉमी, फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ अ कंट्री, we should evaluate the industry where we want to invest and thereafter we should look for the appropriate company. मतलब क्या है, तीन डायमेंशन को मिला के बनती है फंडामेंटल एनालिसिस। अभी दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाए, सबसे पहले हमें देखना चाहिए इकोनॉमी एनालिसिस, what is meant by economy analysis। अब आपसे पूछा जाए, अगर आप थोड़े से ज्यादा फाइनेंशियली लिटरेट हो गए, आपसे पूछा जाए कि आप अपने फंड्स को सीरिया में लगाना पसंद करोगे, सीरिया जहां बहुत ज्यादा राइट्स चल रहे हैं, बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हैं, चलो अपने बगल में बात करते हैं, आपसे पूछा जाए अपने पैसे को क्या आप पाकिस्तान में लगाना पसंद करोगे, डोंट लिंक पाकिस्तान विद आवर सिविल वॉर, पाकिस्तान और अपने जो सिविल डिस्प्यूट है उससे मत सोचो, ये सोचो कि हमारे पड़ोस में कंट्री है, इफ यू आर गेटिंग एनी अपॉर्चुनिटी वुड यू लाइक टू इन्वेस्ट योर फंड्स इन पाकिस्तान। इमोशंस में नहीं, इमोशंस में नहीं, केवल केवल फाइनेंशियल मॉडल में बात करें, क्यों नहीं लगाओगे, इसलिए नहीं कि वो हमारा राइवल है, हम राइवलरी को किनारे रख रहे हैं, आप पाकिस्तान में पैसा नहीं लगाओगे क्योंकि आपको पाकिस्तान की इकोनॉमी पे ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि आगे चल के पाकिस्तान खुद में बेलआउट पैकेज मांग रहा है, इंसॉल्वेंसी के आसपास है, सऊदी अरेबिया और तमाम कंट्रीज उसको हेल्प कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर सर्वाइविंग। इन द सेम वे आपसे पूछा गया कि आप नेपाल में पैसा लगाना पसंद करोगे, अभी भी आंसर शायद आपका नो होगा, नेपाल से हमारे कोई ऐसे डिस्प्यूट नहीं रहे, लेकिन नेपाल में पैसा क्यों लगाएंगे, उससे बेटर तो हम अपना पैसा इंडिया में कहीं लगा दें, क्योंकि इंडिया के ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान एंड नेपाल, तो दैट्स व्हाई वी विल बी गिविंग प्रेफरेंसेस टू द इंडिया। तो पहले आपको कंट्री डिसाइड करनी होती है, ऐसी आप देखो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनको लग रहा है कि खुद उनके यहां उतना ग्रोथ नहीं है तो वो पैसा इंडिया में लगाते हैं, तब इंडिया वाले उसको बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई इनफ्लोस, मतलब वो कंट्रीज उनको बिलीव है कि वो पैसा अगर वो खुद अपनी कंट्री में लगाएंगे तो उतना ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन वो पैसा अगर इंडिया आ जाएगा तो उनको मालूम है ग्रोथ क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। तो हमें कंट्री चूज करनी होती है, ये पहला स्टेप होता है, इसको बोलते हैं इकोनॉमी एनालिसिस। अभी इन सबके ऊपर आगे लेक्चर चलेंगे पूरे डिटेल में, सबके ऊपर एक एक लेक्चर सब पे मिलेगा, दो दो लेक्चर। इकोनॉमी एनालिसिस का मतलब है फर्स्टली वी हैव टू फिगर आउट व्हिच कंट्री वी हैव टू इन्वेस्ट, हमें किस कंट्री में इन्वेस्ट करना है, फर्स्टली वी हैव टू डिटरमिन, दिस इज कॉल्ड इकोनॉमी एनालिसिस। हमें सबसे पहले सही कंट्री को चूज करना है, किस कंट्री में हम पैसा लगाएंगे, इकोनॉमी एनालिसिस का मतलब होता है ब्रॉडर लेवल पे ये डिसाइड करना कि हमारा पैसा कहां लगेगा। सपोज हमारे पास तीन ऑप्शन है कि हम चाइना में पैसा लगा सकते हैं, चाइना के किसी कंपनी के स्टॉक या म्यूचुअल फंड, अब कैसे लगाते हैं चाइना में, अब्रॉड इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, ये प्रोसेस है। तो हम चाइना में कैसे पैसे लगा सकते हैं, हमारा माना है हम यूएस की किसी कंपनी में पैसा लगाए, क्या हम एप्पल के शेयर्स खरीद सकते हैं, क्या हम माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स खरीद सकते हैं, उसके कुछ प्रोसेस लंबे हैं। तो इसका मतलब हम अमेरिका में पैसा लगाना चाह रहे हैं, हम चाइना में पैसा लगाना चाह रहे हैं, हम जापान में पैसा लगाना चाह रहे हैं या इंडिया में, तो ये चार ऑप्शन थे। सपोज अगर मुझसे पूछा जाए तो आज की डेट में भी मैं इंडिया में ही पैसा लगाना प्रेफर करूंगा, नहीं वो डेफिनेटली उसमें कहीं ना कहीं इमोशन जुड़े हुए हैं, लेकिन इकोनॉमी भी बहुत अच्छी है क्योंकि इंडियन इकोनॉमी 40 इयर्स आगे, ये कोविड 4-6 महीने में ऐसा गायब हो जाएगा आपको नाम नहीं याद रहेगा, लेट द वैक्सीनेशन का 4-6-8-10 महीना जितना भी लगेगा, इकोनॉमी के ऊपर कोविड से कोई इफेक्ट नहीं होता, ऐसे बहुत सारे फ्लक्चुएशन आ चुके हैं। 2008 में भी इकोनॉमिक रिसेशन आया था,
और लोगों का कहना था इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, एट टाइम्स रिटर्न हो चुके हैं, 8-10 टाइम इकोनॉमी में शेयर्स ने हमारे दाम बढ़ा के लिए। तो हमने इस तरह इंडिया में खर्चा करना है, तो यहां पर हमें डिसीजन लेना होता है विच इकोनॉमी वी हैव टू इन्वेस्ट इन। तो यहां पर कंपनीज, हम कंट्रीज को इवैल्यूएट करते हैं कौन सी कंट्रीज बढ़िया है, उसके बाद हमने सोचा इंडिया में पैसा लगाना है, वी हैव फिगर आउट, वी हैव डन अ कंपैरेटिव स्टडी, हमने बढ़िया कंपैरेटिव स्टडी करी बिटवीन इंडिया, चाइना, यूएस, जर्मनी, जापान, वी हैव फिगर्ड आउट कि हमारा पैसा लगेगा इंडिया में। अब कौन सी इंडस्ट्री में लगेगा, मजेदार बात है, इसको बोलते हैं सेक्टोरियल एलोकेशन। इसको क्या बोलते हैं हम, सेक्टोरियल, बेस्ट सेक्टर्स टू इन्वेस्ट। तो इसको बोलते हैं हम किस सेक्टर में पैसा लगाएं। अब इंडिया में अगर आप बात करो मेनली अगर देखें कौन कौन से सेक्टर्स हैं, और अभी आप लोग सब के सब कनेक्ट करोगे, एफएमसीजी सेक्टर एक होता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, सोप, शैम्पू, या घर पे खाने पीने की जो डेली यूज वाली चीजें हैं, ग्रोसरी आइटम्स, डेली यूज की जो चीजें हैं, एफएमसीजी के टॉप कंपनीज जरा कुछ लोग मुझे बताएंगे आपने से, सोप, शैम्पू, ग्रोसरी आइटम्स, डेली यूज की चीजें, कॉस्मेटिक्स, ये सब बनाने वाली 5-6 कंपनीज के नाम बताइए जरा, देखिए कौन कौन जानता है। बिल्कुल सही है, नंबर वन कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड इंडिया की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज। अगर इसकी कैपिटल देखी जाए तो इसमें फंड्स लगे हुए हैं, इंडिया की नंबर वन एफएमसीजी कंपनी एचयूएल, और उसके बाद बात करें तो आईटीसी, इंडियन टोबैको कंपनी है, लेकिन केवल टोबैको नहीं बनाती है, पूरे इंडिया में सिन गुड्स, सिन गुड्स मतलब सिगरेट, सिन गुड्स, और इसके पेपर पे अगर आप देखें तो नोटबुक आती है इसकी, आशीर्वाद आटा, आशीर्वाद आटा जो घर पर हम यूज करते हैं वो भी आईटीसी का प्रोडक्ट है, और बिंगो जो आता है बिंगो, तो ऐसे आईटीसी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो दो ये हो गए एफएमसीजी। तो एफएमसीजी में हमने देखना है कि कौन से वो कंपनीज हैं। अब सीमेंट की बात करें तो एक सेक्टर हमारे पास है सीमेंट, कि हम अपना पैसा कहां लगा सकते हैं, सीमेंट में लगा सकते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इज एवरलास्टिंग स्टोरी, कंस्ट्रक्शन को तो कोई रोक ही नहीं सकता है, हाईवेज बनेंगे ही बनेंगे, रोडवेज डेवलप होंगे ही होंगे, हम लोग अपने घर का कंस्ट्रक्शन कराएंगे ही कराएंगे, कॉलोनीज, अपार्टमेंट बिल्डिंग, रेजिडेंशियल एरियाज डेवलप होंगे ही होंगे, उसको कोई रोक ही नहीं सकता है। इसका मतलब है सीमेंट एक सेक्टर हो गया। तो डेली यूज वाली चीजें एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसमें ना लगाएं, सीमेंट में पैसा लगा दें, इंफ्रा, इंफ्रा, इंफ्रा में अगर देखें इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे मेट्रोज है, तो मेट्रो को कौन बना रहा है, लार्सन एंड ट्यूब्रो, एलएनटी इंडिया की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, फिर डीएलएफ, डीएलएफ का नाम आपने सुना होगा, एलएनटी है, ये दीज आर द बिग प्लेयर्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रा कंपनी में पैसा लगा सकते हैं, एफएमसीजी में लगा सकते हैं, सीमेंट में लगा सकते हैं, ये मेन सेक्टर्स है। ऐसे ही स्टील एंड मिनरल्स, स्टील एक सेक्टर है, स्टील में टाटा स्टील्स बहुत बड़ी कंपनी है, टाटा स्टील में पैसा लगा सकते हैं, तो टाटा स्टील भी एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो यहां पर हम आइडेंटिफाई करते हैं इंडस्ट्रीज की हम कहां पैसा लगाएं। अभी देखते रहिए, हम मजे की बात है, सबसे बड़ा एक सेक्टर होता है बैंकिंग एंड फाइनेंस, बीएनएफ, ठीक है, या बीएसआई बोलते हैं इसको, बैंकिंग फाइनेंस, बीएफआई, बैंकिंग फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, ये पूरा एक बहुत बड़ा सेक्टर है, सबसे बड़ा, सारे सेक्टर एक तरफ है, सारे सेक्टर की ग्रोथ डिपेंड करती है केवल बीएफआई पे, बैंकिंग फाइनेंस एंड इंश्योरेंस। और पर्सनली मेरा फेवरेट सेक्टर है, क्योंकि इसके रिटर्न इतने स्ट्रांग होते हैं कि जब ये बढ़ेगा तभी बाकी सेक्टर भी बढ़ेंगे। अभी कोविड के चलते भले ही शेयर मार्केट में निफ्टी नीचे है, भले ही सेंसेक्स नीचे है, लेकिन ये सेंसेक्स और निफ्टी जाएगा ऊपर जब बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस आगे बढ़ेगा। तो आपको बता दें बैंकिंग सेक्टर में पैसा लगा सकते हैं, जैसे बैंकिंग के लिए एक एग्जांपल दे दे रहे हैं आपको, एचडीएफसी बैंक, अभी कंपनी एनालिसिस में बात करेंगे आगे, तो एचडीएफसी बैंक एक बढ़िया ऑप्शन है, उसके शेयर्स में पैसा लगा सकते हैं। वी कैन इन्वेस्ट आवर फंड्स नॉट इन एचडीएफसी ओनली, अगर क्या, अगर सरकारी बात करें, गवर्नमेंट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज, मार्केट की कैपिटलाइजेशन फंड्स को देखें, तो सबसे ज्यादा कैपिटल कहां लगी हुई है, एचडीएफसी बैंक में, एचडीएफसी बैंक हो गया। फिर फाइनेंशियल सेक्टर में और होते हैं वो जो केवल लोन देने का काम करते हैं, जैसे एचडीएफसी हाउसिंग लोन, एचडीएफसी लिमिटेड,
पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, या इंश्योरेंस में अगर बात करें एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, ये सारे बिल्कुल टॉप कंपनीज हैं। इवन बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए हुए हैं कि सर हम म्यूचुअल फंड में पैसा कैसे लगाएं, तो म्यूचुअल फंड में पैसा आपकी एसआईपी काटने के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है, उसको बोलते हैं एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इसमें इंडिया में तीन सबसे प्रोमिनेंट नाम है एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एक एचडीएफसी एएमसी, एक रिलायंस निप्पॉन, रिलायंस निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, रिलायंस का है उसका टाइप है निप्पॉन एक कंपनी के साथ, रिलायंस निप्पॉन एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हो गया और आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड हो गया। ये सेक्टर्स होते हैं, ये हमारा पैसा, या ऑटोमोबाइल एक और सेक्टर है, ऑटोमोबाइल, जैसे हमारा पैसा हम चाहे तो मारुति के शेयर्स में लगा दें, हम चाहे तो अपना पैसा हम लगा सकते हैं मारुति के शेयर्स में, हम चाहे तो महिंद्रा के शेयर्स में पैसा लगा सकते हैं, हम चाहे तो अपना पैसा किसी और ऑटोमोबाइल बजाज ऑटो में लगा सकते हैं, हीरो मोटोकॉर्प में लगा सकते हैं। तो हमें यहां पर इंडस्ट्री को एनालाइज करना होता है और उसके बाद अब एक एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल, आई एम नॉट एडवाइजिंग, आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए अभी ये वीडियो नहीं देख रहे हो, आप केवल नॉलेज गेन करने के लिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अगर आप जल्दी में करोगे तो आप पैसा नहीं कमाओगे, आपको एक लाइन बता रहे हैं कहीं दिमाग में रख लोगे, इन द लॉन्ग रन देयर वुड बी नो वन हु माइट हैव अर्न इन द शॉर्ट रन, लंबे समय में कोई भी आदमी ऐसा नहीं पाओगे जिसने शॉर्ट टर्म में पैसा कमा लिया, अगर किसी ने शॉर्ट टर्म में पैसा कमा लिया दैट इज मेयरली बाय चांस, उस दिन किस्मत उसके साथ थी। शेयर मार्केट का एक रूल है, लंबे समय में पैसा वही अर्न करेगा जो पेशेंस के साथ बनेगा, जो शॉर्ट टर्म में चाहेगा तो हमेशा लॉस करेगा और कभी लगा कर पैसा बना लेगा तो वो केवल उस दिन उसकी किस्मत उसके साथ होगी। इन द लॉन्ग रन यू विल फाइंड नो वन हु माइट हैव अर्न इन द शॉर्ट रन, एक बार आपको गलती से प्रॉफिट हो गया, दूसरी तीसरी चौथी बार इतना लंबा लॉस होगा, फिर आप भी यही बोलोगे कि म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट सब बेकार है, बैंक में ही सारा पैसा। तो अभी हमें आते हैं, ये केवल आप लर्निंग एबिलिटीज को अपने स्किल को बढ़ाओ, दो साल, एक साल, छह महीने, दो साल बाद आप पैसा लगाओगे, फाइनेंशियल डिसिप्लिन बिल्डअप करो, फोमो से बाहर निकलो, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। अभी हम आगे पढ़ने वाले चार्ट एनालिसिस, आपको बताएंगे शेयर के चार्ट कैसे डिसाइड होते हैं, शेयर का प्राइस कैसे घटता बढ़ता है, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें भी बताने वाले हैं। देन यू विल कम टू नो कि हम अपने ग्रीड को कैसे कंट्रोल करेंगे, एंड वंस यू आर सक्सेसफुल, एक बार अगर अपने ग्रीड को कंट्रोल कर ले गए तो आपको कोई रोक नहीं सकता है खुद पैसा कमाने से। तो इंडस्ट्री एनालिसिस में हम जैसे अगर बोला जाए तो अभी हमने सोचा है चलो दो इंडस्ट्री चूज करते हैं, ऑटो सेक्टर में पैसा लगा सकते हैं और हम लगा सकते हैं बैंकिंग कंपनी में पैसा लगा सकते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंस ठीक। अब सवाल है कि भैया ऑटो में भी तो बहुत सारी कंपनीज है, किसमें पैसा लगाते हैं, ऑटो में भी तो इतनी सारी कंपनीज हैं, चलिए शुरू करते हैं ऑटो में। आपसे पूछा जाए कौन सी कंपनी की कार खरीदेंगे जो इंडियन मैन्युफैक्चरर, बाकी खरीदने में तो सब मर्सिडीज से शुरू करेंगे, बीएमडब्ल्यू और रोल्स रॉयस, आप बहुत सारी स्टोरी बताओगे कि रोल्स रॉयस खरीदनी है, मर्सिडीज खरीदनी है, ऑडी खरीदनी है, इंडियन मैन्युफैक्चरर की अगर बात करें तो कौन सी कंपनी में आप पैसा लगाना पसंद करोगे जो इंडियन मैन्युफैक्चरर है। तो देखते हैं इंडियन ऑटोमोबाइल है, फोर व्हीलर और टू व्हीलर, तो हमें देखना पड़ेगा कि किसमें ज्यादा बेनिफिट्स हैं, whether we should go for four wheelers or a two wheeler में जाएं। तो four wheeler में इंडिया में अगर देखा जाए तो सबसे शानदार कंपनी है मारुति। four wheeler में इंडिया की सबसे बड़ी जो largest कंपनी है वो है मारुति सुजुकी लिमिटेड, और नंबर टू पे जो है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा, four wheeler के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा four wheeler में इसलिए सबसे बढ़िया कंपनी है क्योंकि इसके पास डबल एच है, वो पैसेंजर व्हीकल बनाता है, स्कॉर्पियो, एक्सयूवी, ये सब भी बना रहा है, और वो रूरल के लिए भी बनाता है क्या, ट्रैक्टर्स। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटोमोबाइल की बढ़िया कंपनी है और मारुति तो सबसे बड़ी कंपनी है ही इंडिया की। टू व्हीलर की बात करें तो बजाज ऑटोमोबाइल्स एंड हीरो मोटर्स ये दोनों बेहतरीन कंपनी, ऑल्दो कंपनी और भी अच्छी है, टीवीएस भी इंडिया में रजिस्टर्ड है, लेकिन हमको पैसा कहां लगाना है तो एक एक सेक्टर के अंदर 40 कंपनी हो सकती है। आपको बताते हैं सीमेंट में, सपोज आपको लग रहा है सीमेंट में पैसा लगाना है, अब आप देखिए जितने आप सारे व्यूअर्स हैं यू विल ऑल अग्री विद द नेम्स आई एम गोइंग टू शेयर। नॉर्थ इंडिया में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा बचपन से आप सब लोग कौन सी सीमेंट कंपनी का नाम सुनते आ रहे हैं बताएं, जिन्होंने मुझसे सुना है नाम वो नहीं, आप जो सुनते आ रहे हैं
मैं पर्सनली बताऊं तो जब से मैं छोटा हूं, मैं सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट नॉर्थ इंडिया में एसीसी का देखता है, एसीसी सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट एसीसी का देखता था नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। लेकिन अगर आपको बताएं तो इंडिया की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी एसीसी नहीं है, सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है अल्ट्राटेक, और अल्ट्राटेक केवल सीमेंट की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी नहीं है, वर्ल्ड में जितनी प्राइवेट कंपनीज हैं पूरे वर्ल्ड में इंक्लूडिंग अमेरिका, पूरे वर्ल्ड में जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उसमें थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है, थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है अल्ट्राटेक, इतनी बड़ी कंपनी अल्ट्राटेक। तो अल्ट्राटेक में पैसा लगाना सबसे सेफ है क्योंकि वो बड़ी कंपनी है। तो इन्वेस्टमेंट करते वक्त जब आपने सेक्टर चूज कर लिया कि हमें पैसा लगाना है सीमेंट में, तो शुरू में आप हमेशा ध्यान रखो गो विद द लीडर्स, किसी भी सेक्टर के लीडर के साथ ही चलना है कम से कम 2-3 साल जब मार्केट में एक्सपीरियंस आ जाएगा, बिकॉज एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस ओनली, देयर इज नो शॉर्टकट, एक्सपीरियंस केवल एक्सपीरियंस से ही आएगा, एक्सपीरियंस का कोई शॉर्टकट नहीं है। मार्केट में आपको अप्स एंड डाउन्स भी देखने पड़ेंगे, लेकिन जब आप लीडर्स के साथ में ट्रेवल करते हो, व्हेनेवर यू आर ट्रेवलिंग विद द लीडर्स, देन डेफिनेटली इट इज डेड श्योर देयर आर लेस चांसेस ऑफ एनी लॉस। लॉस तभी होगा जब मार्केट में आप छोटे सिपाहियों के साथ शुरू करो, आपको लीडर्स के साथ चलना है, आपको उन कंपनीज के साथ चलना है जो दोस्त वो वर्किंग ऑन अ रिलेटिवली वाइडर स्केल, बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं उनके साथ आपको चलना है। तो अगर हमें सीमेंट में जाना है तो पहली चॉइस होनी चाहिए अल्ट्राटेक। ये कंपनी कैसे सिलेक्ट करते हैं, कहां आप इसको नेट पे ढूंढेंगे, वो सब भी आगे डिस्कशन में आएगा। अगर ऑटोमोबाइल में जाना है और हमारे पास पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कम है तो हमें लीडर चलना है, लीडर फिर एक है मारुति, महिंद्रा को भी फिर हम थोड़ी देर होल्ड कर लेंगे क्योंकि जब पैसे लिमिटेड है बहुत ही कम जगह लगाने हैं तो केवल नंबर वन के साथ जाएंगे, टू के साथ भी नहीं जाएंगे। दिस वे वी कैन मिनिमाइज आवर लॉसेस एंड वी कैन मैक्सिमाइज आवर प्रॉफिट। आई जस्ट कम बैक टू दिस वंस अगेन, लेट मी शो यू another very important topic for that today's seminar. Just have a look. In this workshop, in this certification, I'll just make it very clear for all the conservative investors, what is the difference between FD, stock and mutual fund. Let's see. Bank aapko kitna FD pe interest deta hai? Bank FD pe aapko interest kitna deta hai aaj ki date mein? Lagbhag 6.25%. Lagbhag 6.5%. Bank is giving you something about 6% interest. Let's have a case. आप 10,000 रुपए पर मंथ अपने पेरेंट से इन्वेस्ट करवाते हो। You are very much flexible. आप इसको 100 रुपए मान लो, 1,000 मान लो, 10,000 मान लो, 1,00,000 मान लो, 10,00,000, whatever you can invest. आप कुछ भी पैसा इन्वेस्ट करो। हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि आप 10,000 रुपए लगा रहे पर मंथ, 10,000 पर मंथ लगा रहे, 10,000 पर मंथ आप इन्वेस्ट कर रहे हो 15 ईयर्स के लिए, अगले 15 साल के लिए। This is very very important thing, very important thing. 10% आप लगा रहे हो 10,000, तो एक साल में आप कितना लगाओगे? तो if you are investing 10,000 a month, तो एक साल में आप लगाओगे 1,20,000. तो 15 साल तक अगर आप लगातार ऐसे लगाते रहोगे तो 15 ईयर्स में आप कितना लगाओगे? 1,20,000 को 15 से मल्टीप्लाई करो तो आप लगाओगे 18 lakhs. तो अगर आप बैंक में 6% से रिटर्न मिलेगा और आपने 18 lakh लगाया, वो भी 18 lakh आज नहीं लगाया, 10,000 करके हर महीने लगाया, तो एक साल में आपने लगाया कितना? 1,20,000. तो 15 साल में आप कितना लगाओगे? 18 lakhs. एक्चुअली होता क्या है कि हम सब बैंक में पैसा जमा कर देते हैं, रिटर्न कैलकुलेट ही नहीं करते कि हमें मिलेगा कितना, और इवेंचुअली हम माइनस में जा रहे होते हैं, इवेंचुअली हम माइनस में जाते हैं। देखो कैसे, 6% के रेट से आपने पैसा लगाया तो 10,000 रुपए पर मंथ, एक साल में 1,20,000, तो 15 साल में आप लगाओगे कितना? 18 lakh. 6% के रेट से कंपाउंड होने के बाद मिलेगा कितना मालूम है आपको? 29 lakh. तो आपने लगाया 18 lakh और बैंक से मिलेगा 29 lakh, मतलब आपका गेन हुआ 11 lakh रुपए का। अब देखो, अगर आपने बैंक एफडी की जगह थोड़ी एनालिसिस कर ली और इस पैसे को किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में लगा दिया, जैसे मैं आपको एक दो नाम बता दे रहा हूं, आप चाहो तो उन पे रिसर्च करके देख सकते हो। बहुत सारे बच्चों के मैसेज है, कॉल है कि सर म्यूचुअल फंड कौन सा अच्छा है, तो दिस इज ऑलवेज 1:1. अब किसी की एज 50 है, जिसकी एज ही अब 20-30 साल बाकी है, तो उसके पास म्यूचुअल फंड का क्राइटेरिया अलग होगा, मेरे पास म्यूचुअल फंड का क्राइटेरिया अलग होगा, आपके पास म्यूचुअल फंड का क्राइटेरिया अलग होगा, क्योंकि सबकी एवरेज एज जो बाकी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अलग अलग है, तो हर एज ग्रुप में म्यूचुअल फंड का क्राइटेरिया चेंज हो जाता है। लेकिन
10% म्यूचुअल फंड पे आसानी से अर्न हो जाता है। किसी भी बढ़िया लार्ज कैप फंड में पैसा लगा दो, लार्ज कैप मतलब बड़ी कंपनीज वाले म्यूचुअल फंड में, तो आपको 10% आसानी से मिल जाएगा। तो अब होगा क्या, बस देखो केवल जरा सा चेंज हुआ, बैंक एफडी की जगह आपने पैसा ऐसे म्यूचुअल फंड में लगाया जिससे आपको रिटर्न मिल रहा है 10%। अब 15 साल बाद वही 18 लाख जो बैंक में हो रहा था 29 लाख, बैंक एफडी के ऊपर अगर बात करेंगे हो रहा था 29 लाख रुपए, म्यूचुअल फंड से होगा 42 लाख। Could you just visualize the difference you are getting? कितना बेहतरीन रिटर्न आप एंश्योर कर रहे हैं? देखिए जरा ध्यान से, बैंक आपको दे रहा था 18 लाख से 29 लाख, 11 लाख रुपए। म्यूचुअल फंड बिल्कुल टॉप म्यूचुअल फंड, कुछ म्यूचुअल फंड 15% 18% 20% भी रिटर्न दे रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये केवल मैं उनकी बात कर रहा हूं जो बहुत ही कंजर्वेटिव है, बहुत सोच समझ के ठंडे दिमाग से पैसा लगाते हैं, उन इन्वेस्टर्स की बात पूरी। तो ये 18 लाख रुपए हो जाएगा 42 लाख रुपए, 18 से 29 11 लाख रुपए, 18 से 42 24 लाख रुपए का गेन होगा। लेकिन दिस इज आल्सो नॉट अबाउट स्मार्ट इन्वेस्टिंग। स्मार्ट इन्वेस्टिंग में तो अब हम आ गए, वर्ल्ड के नंबर वन इन्वेस्टर अमेरिका के इन्वेस्टमेंट टाइकून वॉरेन बफेट की बात करते हैं। वॉरेन बफेट की बात करते हैं, WARREN BUFFETT, वॉरेन बफेट। जैसे इंडिया में आप मुकेश अंबानी को जानते हैं, तो वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट के लिए किसको जाना जाता है? वॉरेन बफेट को। आप इनकी हिस्ट्री देखिएगा, 32 की एज में इन्होंने अपना शुरू करा प्रोसेस इन्वेस्टमेंट का, और इतना पैसा इनके पास आज कैश में है, इनके पास अनयूटिलाइज्ड पैसा इतना है कि इंडिया की जो नंबर 2 कंपनीज है उसका 8 गुना केवल कैश रखा हुआ है। इंडिया की नंबर 2 कंपनीज है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। रिलायंस सबसे ऊपर है, रिलायंस के बाद सबसे ज्यादा पूंजी कैपिटल जहां लगी दैट इज TCS। TCS की जितनी कैपिटल है उसका 8 टाइम्स वॉरेन बफेट के पास कैश रखा हुआ है, इतना कैपिटल उन्होंने कमाया। उनका कहना है कि स्टॉक मार्केट में अगर लंबा टाइम होरिजन है, देन यू कैन एक्सपेक्ट, लंबा टाइम होरिजन है, देन यू कैन एक्सपेक्ट अ रिटर्न ऑफ 20%। लोग 30% 40% बनाते हैं, लेकिन वहां ग्रीड आ जाता है, वहां गड़बड़ होती है। लंबे समय में आप 18-20% की अर्निंग आप ले सकते हो, उम्मीद कर सकते हो, अगर थोड़ा फाइनेंशियल डिसिप्लिन से लगा रहे। लेकिन अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं, वो भी और कम 15%। तो ये बैंक एफडी पे 6% है, म्यूचुअल फंड पे सेफ साइड 10% मिल जाएगा रिटर्न अच्छे म्यूचुअल फंड में। अगर आप 15% के रिटर्न के लिए किसी स्टॉक में जाते हो या किसी बेहतर और म्यूचुअल फंड में जाते हो, तो वही 18 लाख अब हो जाएगा 68 लाख। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड पावर ऑफ कंपाउंडिंग, व्हाट वी डू नॉट विजुलाइज, जिसको हम विजुलाइज नहीं करते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है, ध्यान से देखें और बाकी लोगों को भी आप अवेयर करेंगे, बिकॉज वॉट एवर डिस्ट्रेस वी आर हैविंग, कोविड के चलते लोगों के पास फाइनेंशियल क्राइसिस हुई, हम सब के पास क्राइसिस हुई, लेकिन सवाल यह है कि इससे बाउंस बैक करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी है, व्हाट प्लान्स यू आर हैविंग टू बाउंस बैक। आपको अपने बाउंस बैक की स्ट्रैटेजी पे वर्कआउट करना होगा, क्योंकि लाइफ तो सभी की आएगी और हर एक को जाना है। आप जितनी जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम पे आएंगे, उतनी जल्दी आप लाइफ का सही पर्पस देखेंगे और पैसे से थोड़ा रिलैक्स होकर बैठेंगे। देखते हैं, अगर इन केस आप एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ले गए, विच विल रिक्वायर लॉट्स ऑफ एफर्ट्स, जिसमें बहुत मेहनत लगेगी, बहुत बार फेलियर भी होगा, बहुत बार आपके डिसीजन गलत भी निकलेंगे, और बहुत बार आपको डिमोरलाइज भी होना पड़ेगा, लेकिन बाउंस बैक अगर आप करेंगे, जैसे शेयर का नाम नीचे जाता है और ऊपर आता है, वही लाइफ में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप एडवर्स सिचुएशन से बाउंस बैक करेंगे तो आप एक अच्छे इन्वेस्टर भी बनेंगे और अच्छे ह्यूमन बीइंग भी बनेंगे। चलिए, अगर 20% अब 20% का रिटर्न निकालने के लिए आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, आपको दिन रात पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो जैसे सिलेबस की पढ़ाई करते हैं, इन द सेम वे यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड, यू हैव टू मगर सो मेनी कॉन्सेप्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपको बहुत ब्रॉडर मार्केट की नॉलेज होनी चाहिएगी। यूएस और चाइना में ट्रेड वॉर हो रही है, उससे इंडियन इंडस्ट्री के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, कोविड के चलते इंडिया के कौन कौन से सेक्टर अच्छा काम करने वाले हैं, कोविड के चलते इंडिया के कौन कौन से सेक्टर खराब होने वाले हैं, कोविड-19 के चलते कौन सी कंट्रीज बढ़िया होने वाली हैं, कौन सी कंट्रीज पे एडवर्स इफेक्ट होगा, इतना सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, और किसी एग्जाम को पास करने के लिए नहीं, एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर होने के लिए। स्टोरी वही है कि 10,000 पर मंथ, एक साल में 1,20,000, 15 साल में यहां भी आपने लगाया 18 लाख, लेकिन अगर ये रिटर्न 20% का हुआ, जिसके लिए आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कुड यू जस्ट बिलीव द अमाउंट यू आर सपोज टू गेट
दैट वुड बी 1,13,00,000 रुपीज। वही 18 लाख रुपए 1,13,00,000 बचाएगा, 95 लाख रुपीज का गेन करोगे। तो इट इज ऑल अबाउट CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। यही पूरा फाइनेंस का दमखम है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ये डेटा आप नोट कर लो, आपके दिमाग में रहेंगे। तो फंडामेंटल एनालिसिस इज ऑल अबाउट चूजिंग द राइट कंपनी, चूजिंग द राइट इंडस्ट्री एंड चूजिंग द राइट इकोनॉमी। इकोनॉमी में तो हम बिल्कुल एश्योर है, इंडिया को लेकर कोई दिक्कत ही नहीं है कहीं से। इंडियन इकोनॉमी 40-50 साल तक अभी बहुत ग्रो करना बाकी है, अभी तो ग्रोथ स्टोरी शुरू हुई है। इंडस्ट्री कौन सी लेनी चाहिए, ये हमेशा वन टू वन होगा। लेकिन हमेशा ऐसे बहुत सारे बच्चों के सवाल आते हैं कि सर क्या एविएशन में पैसा लगा दें, क्या इंडिगो के शेयर में पैसा लगा दें, क्या स्पाइस जेट के शेयर में पैसा लगा दें। याद रखना है, सेक्टर वो होने चाहिए जो 50 साल से चल रहे हैं और अगले 50 साल बाद भी चलेंगे। कोई नहीं जानता था कि आज से 15 साल पहले 20 साल पहले नोकिया की मोनोपोली थी और वो कंपनी ऑलमोस्ट इंसॉल्वेंट हो जाएगी, माइक्रोसॉफ्ट उसको टेक ओवर करेगी। कोई नहीं जानता था कि कोडैक का कैमरा हम लोग यूज करते थे, वो कंपनी के पास 70,000 एम्प्लॉइज थे और वो कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाएगी और वो पैसा, वो कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाएगी, मोबाइल सबको चेंज कर देगा। हमें क्या करना चाहिए, हमें करना ये चाहिए कि वो बिजनेस जो 50 साल पहले भी था और आपको पूरी उम्मीद है, आपकी रिसर्च ये कह रही है कि 50 इयर्स बाद भी ये टिका रहेगा, तो फिर वो लीडर्स के पास ही इतना दमखम होता है। बरसात के साथ में बहुत सारे लोग आते हैं और बहाव में बह जाते हैं, हमें चलना है लीडर्स के साथ। रिटर्न ऑन कैपिटल इज ऑलवेज सेकेंडरी, पहला इन्वेस्टमेंट का रूल होना चाहिए रिटर्न ऑफ कैपिटल। आपकी कैपिटल सेफ रहे सबसे पहला थंब रूल होना चाहिए। यू शुड जस्ट बिल्ड अप दैट पेशेंस कि हमें प्रॉफिट शुरू में ना भी हो लेकिन हमारी जेब से जो लगा है वो लॉस नहीं होना चाहिए। वी शुड ट्राई टू लर्न हाउ टू मिनिमाइज द लॉसेस, पहला रूल है। वो कब हो पाएगा, जब आप चुनिंदा कंपनीज के साथ जाएंगे। व्हेन यू आर प्लेइंग विद द सेलेक्टिव कंपनीज, जब आप सेलेक्टिव कंपनीज के साथ जाएंगे, जब आप बढ़िया कंपनीज के साथ पैसा लगाएंगे, तो इकोनॉमी तो इंडिया बढ़िया है, अभी हमें कोई डाउट नहीं। इंडस्ट्री का हमेशा चर्निंग होती रहती है, चर्निंग मींस टर्नओवर, जो सर्कल चलता रहता है। जैसे आज से 2.5 साल पहले आप देखिएगा, जितने के 6 महीने में बड़े प्लेयर्स आपको नजर आए कि दवा वाले बहुत कमा रहे हैं, फार्मास्यूटिकल इज अर्निंग लाइक एनीथिंग, बायोकॉन हो गया, सिप्ला हो गया, कैडिला हो गया, सनोफी इंडिया हो गया, अरविंदो फार्मा हो गया, ग्लेनमार्क हो गया, ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं। 2.5 साल पहले जरा जाके आप देखिए, फार्मास्यूटिकल कंपनी बिल्कुल डीप रेड में थी, बिल्कुल नीचे थी, बॉटम पे, कोई खरीद नहीं रहा था इनको। तो आपको सेक्टर पे नजर रखनी चाहिए और हमेशा वो सेक्टर लो जिसके फंडामेंटल्स बेहतरीन है लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन अभी सस्ते दाम पे उसका वैल्यूएशन है। जैसे इस समय बात करें तो ऑटोमोबाइल नीचे है काफी, अभी 2 महीने पहले काफी नीचे था, लेकिन अभी भी कोरोना से पहले भी ऑटोमोबाइल अपने बॉटम पे ही था। तो इंडस्ट्री में सेक्टर का रोटेशन होता रहता है, कभी कोई सेक्टर ऊपर चलता है फिर 5 साल के लिए वो सेक्टर नीचे आ जाता है। जैसे आपको बता दें, जितने लोग देख रहे हो अभी ज्यादातर इसमें जियो यूज कर रहे हैं, ज्यादातर इसमें एयरटेल यूज कर रहे हैं और कुछ लोग इसमें वोडाफोन आइडिया यूज कर रहे हैं। एयरटेल 10 साल तक एयरटेल, भारतीय एयरटेल सुनील मित्तल की कंपनी है, 10 साल तक एयरटेल एक ब्रैकेट में रखा है। 10 साल तक एयरटेल का शेयर लगभग 200-250-300 रुपए में ही मूव करता रहा है, लेकिन पिछले 6 महीने में वो 300 रुपए का शेयर 600 रुपए हो गया, डबल कर दिया आपका पैसा 3 महीने में। और बैंक में आज के रेट ऑफ इंटरेस्ट में 10 साल लग जाएगा आपको पैसा डबल करने में, 10 साल लगेगा। तो सेक्टर आपको इवैल्यूएट करना आना चाहिए लेकिन उसके लिए समय लगेगा। तो आसान क्या है, आसान ये है कि एवरग्रीन सेक्टर, एवरग्रीन सेक्टर कौन सा है, बैंकिंग एंड फिनेंस, सीमेंट, इनको कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी कुछ भी हो जाए। कंस्ट्रक्शन कभी रुक सका है क्या, हाईवेज नहीं बन रहे हैं क्या, एयरपोर्ट्स नहीं बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन जब भी होगा सीमेंट हमेशा ये एवर लास्टिंग स्टोरी है। बैंकिंग और फाइनेंस हम आपको पढ़ा रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहा है अपना, किसी का ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, कोई ऑनलाइन एजुकेशन में बैठा हुआ है, किसी का खुद का सीमेंट का बिजनेस है, किसी का रेस्टोरेंट है, लेकिन सबका कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शन किससे होता है, ट्रांजेक्शन होता है चेक के थ्रू। तो बैंक तो एक बैकबोन है, तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर
और सीमेंट सेक्टर ऐसे सेक्टर है कि अगर गलती से ही सही आपने शेयर महंगा भी खरीद लिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये वापस ऊपर ही जाएगा। ये एवर लास्टिंग ग्रोथ स्टोरी है, ये कभी रुकने वाली नहीं है, ये हमेशा ही आपको पैसा कमा के देगी। और फिर आपको कंपनीज पकड़नी है, यहां आपको बहुत सिलेक्टिव होना है, क्योंकि रॉन्ग डिसीजन कंपनी का हो गया तो पैसे गड़बड़ा जाएंगे। अब देखो कंपनी एनालिसिस में क्या होता है, आपको कौन सी कंपनी में पैसा लगाना है। पहला कंपनी एनालिसिस के फर्दर पार्ट से लेते हुए मार्केट कैपिटलाइजेशन देखो कि उस कंपनी में कितना पैसा लगा है। जैसे हमने देखा कि हम पैसा लगाएंगे सीमेंट इंडस्ट्री में, तो सीमेंट बनाने वाली तो एक हेडलबर्ग सीमेंट भी है, जिसका एड आपने देखा होगा माइसन सीमेंट के नाम से, एक टीवी पे एड आता है बांगूर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। आपने एसीसी का भी नाम सुना है, नाम आपने बिरला सीमेंट का भी सुना है, नाम आपने जॉनसन सीमेंट भी सुना है, बहुत सारे नाम है। लेकिन सबसे ज्यादा कैपिटल कहां इन्वेस्टेड है, सबसे बड़ा प्लेयर कौन सा है, वो अल्ट्राटेक। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन बताता है। इन द सेम वे ऑटोमोबाइल में हमने हीरो मोटो भी सुना है, हमने बजाज भी सुना है, हमने महिंद्रा भी सुना है, और तो ये सारे अच्छे नाम है, लेकिन इनमें भी सबसे बड़ी कैपिटल किसके पास है, मारुति के पास। तो वो अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन लेके बैठा है। बैंक अगर मैं गिना दूं आपको, इतने सारे बैंक हैं, आपने कुछ के तो नाम अभी सुने नहीं होंगे। चलिए हम बात करते हैं, अगर बात करें बंधन बैंक, ये आपने सुन रखा है, मतलब देखिए हम लोग तो नाम जो ट्रेडिशनल सुन रहे हैं वो नेशनलाइज सरकारी बैंक है, एसबीआई हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, इलाहाबाद बैंक हो गया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, विजया बैंक हो गया, इनमें से काफी सारे मर्ज हो गए। लेकिन एसबीआई जो कि इंडिया का नेटवर्क के हिसाब से सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है, जिसके ब्रांचेस सबसे ज्यादा है, लेकिन कैपिटल वाइज जिसमें कैपिटल जो इन्वेस्टेड है वो एसबीआई सबसे बड़ा नहीं है, एसबीआई से 3 गुना बड़ा है एचडीएफसी बैंक, और आईसीआईसीआई से भी लगभग डबल। इंडिया का लार्जेस्ट बैंक है कैपिटल वाइज, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एचडीएफसी बैंक इज लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक है। तो अगर हमें बैंक में पैसा लगाना है तो मेरी पहली चॉइस होगी एचडीएफसी बैंक, गो विद द लीडर्स। सेक्टर डिसाइड हो गया बैंकिंग, लेकिन अब कंपनी हम डिसाइड करेंगे जिसकी मार्केट कैपिटल सबसे ज्यादा है, क्योंकि जो बड़ा प्लेयर है दोस हु आर हैविंग डीप पॉकेट्स। आप देखिए रिलायंस में क्या हुआ, जियो आने के पहले शायद आपको याद होगा, आज से तीन साल पीछे चले जाइए, 3.5 साल पीछे चले जाइए, 1 GB डेटा लेने के लिए वी हैव टू स्पेंड 247 रुपीज। मुझे याद है 250 रुपए का 1 GB डेटा लेते थे हम लोग, और जैसे ही लोगों का वर्क हो जाता था डेटा ऑफ करते थे। रिलायंस आने के बाद से डेटा ऑफ करना लोग भूल गए, डेटा चलता रहता है। रिलायंस जिस दिन आया, रिलायंस जियो जिस दिन लॉन्च हुआ, मुकेश अंबानी की स्पीच चल रही थी, 45 मिनट की स्पीच थी, और एयरटेल की मार्केट कैपिटल 9,000 करोड़ रुपए सेम डे गिरी। मतलब आने से पहले केवल स्पीच से एयरटेल के, जो जियो के आने की धमक से एयरटेल की मार्केट वैल्यू अगर देखी जाए तो वो सीधे सीधे कम हो गए 9,000 करोड़। 3 दिन के अंदर महेंद्र सिंह धोनी जो हमारे इतने बड़े आइकन है वो ऐड करते थे, अगर एक कंपनी थी टेलीनॉर यूनिनॉर करके, तो वो कंपनी वाइंड अप हो गई 3 दिन के अंदर। आइडिया आपको बता दें ये बिरला वालों की कंपनी है, साउथ इंडिया का इतनी बड़ी कंपनी है, आइडिया कंपनी को मर्ज करना पड़ गया वोडाफोन के साथ में। तो जब ऐसे कभी टर्न अराउंड चेंजेस होते हैं तो अगर आप लीडर्स के साथ बैठे हुए हैं तो आपको नुकसान क्या होगा। जियो के आने से पहले लोगों ने तमाम कंपनीज में टेलीकॉम कंपनी से पैसा लगा दिया था, लेकिन उस समय जो एयरटेल के साथ था वो अभी भी सेफ है। क्यों सेफ है, क्योंकि छोटे मोटे प्लेयर तो बाहर हो गए, सर्वाइव कौन कर पाएगा, नंबर वन, और उसके अलावा कौन रहेगा, नंबर टू। नंबर वन अकेले नहीं रहेगा, क्योंकि इंडिया में यहां पर एक कमीशन काम करता है, एमआरटीपी एक्ट, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। मोनोपोली तो गवर्नमेंट भी नहीं होने देगी, गवर्नमेंट भी नहीं होने देगी कि केवल टेलीकॉम में सब बंद हो जाए और केवल जियो चले, ऐसा नहीं होगा। तो आप हमेशा अगर वन के साथ हैं तो कोई उससे भी बड़ा आ गया तो हद से ज्यादा टू पे जाएंगे, उसके नीचे नहीं जाएंगे। लेकिन आपने पैसे ही लगाया किसी छोटी सी कंपनी में, वो पहले ही 10वें नंबर पे है, कोई बड़ा प्लेयर आ गया 5, 6, 7, 8, 9 सब बंद, आप बिल्कुल हो गए साफ। तो ये ध्यान रखना है आपको। सो बी विद द पायनियर्स, जो टॉप नॉच कंपनीज हैं, जो हाई पेडिग्री कंपनीज हैं, वहीं जाना है। नंबर 2, 3, 4, 5 में हमें शुरू के 4-5 साल देखना ही नहीं। जब हमारे पास अपने कमाए हुए फंड्स होंगे, जब हमारे पास म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट से अर्न करा हुआ पैसा होगा, देन वी विल कंसीडर कि हाँ हम छोटी कंपनीज में ही पैसा लगाएं।
अगर आपको पेंट में पैसा लगाना है तो बर्जर भी नाम है, शालीमार भी नाम है, लेकिन एक सबसे चार गुना बड़ा है वो एक ही है, एशियन पेंट्स। फिर वो एशियन पेंट्स ही होना चाहिए। तो हमें कंपनी सेलेक्ट करने में मार्केट कैप देखना चाहिए। थोड़े टेक्निकल टर्म्स है, उनको देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखना चाहिए, उस कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। अ कंपनी इज हैविंग वेरी वाइड एंगल, वाइड सिनेरियो, वाइड प्रेजेंस। कंपनी तो बहुत जगह है लेकिन उसका बिजनेस मॉडल फेलियर है, लॉस में चल रही है। तो आपको पैट देखना चाहिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बैक टू बैक 3-4 साल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़िया होना चाहिए। आरओसी होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड उस कंपनी ने जो भी पैसे शेयर होल्डर से लगवा रखे हैं और जो भी पैसा उधार ले रखा है, उन दोनों फंड्स के ऊपर कितना परसेंटेज अर्निंग कर रही है, उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कंपनी ने जो भी पैसे शेयर होल्डर से लगवा रखे हैं, जो भी पैसे उसने उधार ले रखे हैं, टोटल फंड्स के ऊपर कितना रिटर्न मिल रहा है, उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और सबसे बड़ा पैरामीटर होता है प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने के लिए आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। सब कुछ खर्च करने के बाद, गवर्नमेंट को टैक्स भी देने के बाद, हमारे शेयर होल्डर के पास कितना पहुंच रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया, वो सब कहानी एक तरफ है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को भी छोड़ दीजिए। रिटर्न ऑन इक्विटी, व्हाट इज द अर्निंग वी आर ऑफरिंग टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स, बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर्स दे आर द ट्रू ओनर फॉर अ कंपनी, दे आर द ट्रू रिस्क बेयरर। किसी कंपनी के सही रिस्क बेयरर मालिक कौन होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर। तो अगर कोई कंपनी का मैनेजमेंट ये इंश्योर कर पा रहा है कि वो अपने शेयर होल्डर्स को पैसा दे पा रहा है, इसका मतलब वो कंपनीज फाइनेंशियली अच्छा काम कर रही है। लेकिन फाइनेंशियल के अलावा आपको क्वालिटेटिव मेजर्स भी देखने होंगे कि कभी कभी कोई कंपनी काम तो बढ़िया करती है लेकिन उसके पीछे कोई बेमान छुपा होता है, उसके डायरेक्टर्स में उतनी इंटेग्रिटी नहीं होती है। तो आपको देखना होता है क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए हमने मन में रखा है एचडीएफसी बैंक, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के जो पीछे सीईओ रहे हैं, ठीक है, या पीछे जो इसका मैनेजमेंट रहा है दीपक पारेख साहब, इतने बड़े इंडस्ट्रीज के, इतने बड़े और बरसों से सीजन प्लेयर, सीजन प्लेयर, हमेशा वो इतने डेड ऑनेस्ट हैं कि वो कहीं से कोई भी गवर्नमेंट के रूल्स आए उसको ब्रीच नहीं करते, उसको ब्रेक नहीं करते। तो जो मैनेजमेंट होना चाहिए वो बहुत टेस्टेड होना चाहिए, क्वालिटी मैनेजमेंट होनी चाहिए, मैनेजमेंट बहुत ही डेड ऑनेस्ट होना चाहिए। अगर मैनेजमेंट हमारा ऑनेस्ट है तो फिर वो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करके देगा, खुद कंपनी को भी और सारे शेयर होल्डर्स को। तो ये सारी चीजें मिला के बनता है पहला टॉपिक हुआ फंडामेंटल। ऑल्दो वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, अगले हफ्ते 10 दिन के बाद कुछ हम लोग वर्कशॉप करेंगे, टाइम लगाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा इसको देख लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस में हल्का सा। टेक्निकल एनालिसिस ये बताता है कि किसी शेयर में हमें कब एंटर करना चाहिए जहां पे हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो। हमने चूज कर लिया फंडामेंटल में, इन सब में से निकल के आया कि हम दो कंपनी में पैसा लगाएंगे, एक बैंकिंग में एचडीएफसी बैंक और एक सीमेंट में अल्ट्राटेक। चलो दो, हजारों कंपनीज हैं इंडिया में, हम केवल दो तक पहुंचे ये सब एनालाइज करने के बाद। फॉर एग्जाम्पल एचडीएफसी बैंक और दूसरी तरफ हम किसमें जाएंगे, अल्ट्राटेक। लेकिन कब पैसा, क्या आप तुरंत इमोशनल हो जाए आज ही पैसा लगा देंगे? नो, दिस इज अगेन रॉन्ग थिंग टू डू। What we have to ensure right now कि कब पैसा लगाएं। अब आप देखिए HDFC Bank का जो management है, HDFC Bank को govern करने के लिए company है, उसका नाम है HDFC Limited, जो housing loan देती है। Bank अलग है और केवल loan देने का काम, घर के लिए loan देने का काम एक और organization है, HDFC Limited। In fact HDFC Bank बाद में बना है, HDFC Bank 94-95 के आसपास बना है, HDFC Limited बहुत पहले से आ चुका 60s के आसपास। तो HDFC Limited पेरेंट कंपनी है। HDFC Limited का शेयर का नाम मैं आपके सामने रख रहा हूं, देखिए 2020 इस साल का डेटा है, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। शेयर का नाम देखिए, केवल इन 6 महीने में केवल कितने आपको मल्टीपल एंट्री पॉइंट मिले। अगर तो HDFC Limited का अगर शेयर प्राइस यहां पर देखो तो मार्च से पहले जनवरी के आसपास लगभग ये शेयर का दाम 2000 रुपए, जनवरी के आसपास, तब यहाँ नहीं मिला जनवरी में, और जैसे ही कोविड का शेयर का दाम नीचे आया तो मार्च में शेयर का दाम 1470 हो गया था, 1400 रुपए के आसपास मार्च में, जब कोविड ने पीक पे अपना एंट्री ले रहा था मार्च में। फिर ये शेयर का दाम यहाँ से बढ़ा और फिर ये घटा और ये अभी फिर बढ़ा और अभी लगभग
1890 रुपीस के आसपास है, 1890 रुपीस लगभग 1900। इसका मतलब है शेयर का दाम ऊपर आया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर आया, यहां से फिर रिट्रेस होके नीचे गया और फिर ये ऊपर आया। ये जो पैटर्न होता है इसको बोलते हैं डबल बॉटम। इसको क्या बोलते हैं? डबल बॉटम। इसका मतलब ये हो रहा है कि शेयर का दाम नीचे आ रहा है लेकिन लगभग 1500 के आसपास इस शेयर को सारे कर रहे हैं। जैसे यहां पर आता है शेयर, लोग खरीदना शुरू कर देते हैं, इसकी डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, फिर से शेयर का दाम बढ़ने लगता है। और 1800-1900 के आसपास शेयर के दाम पे रेजिस्टेंस है, मतलब इसके ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आ जाता है। तो यहां पर कायदे से नहीं खरीदना चाहिए, आपको फिर वेट करना चाहिए एक दो महीने, फिर कोई ऐसी बैड न्यूज आएगी मैक्रोस के चलते, और ये भगवान आपको 100 मौके देगा। कोविड सही भी हो जाएगा तो अमेरिका चाइना में वॉर हो जाएगी, अमेरिका साउथ कोरिया में हो जाएगी। ये मार्केट सेंटीमेंट्स पे काम करता है, तो मार्केट के सेंटीमेंट्स को पकड़िए तो आपका प्रॉफिट और ज्यादा होगा। आपने सही कंपनी चुनी, इतनी एनालिसिस करने के बाद आप HDFC लिमिटेड पे पहुंचे, लेकिन HDFC लिमिटेड को तुरंत नहीं खरीद लेना है। वी शुड वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, वी शुड वेट फॉर द मार्केट करेक्शन, करेक्शन का वेट करिए। और जब आप खरीदेंगे करेक्शन में, जिससे 1500 रुपए पे HDFC लिमिटेड खरीद लिया, फिर से मौका मिला जून में, फिर से 1500 रुपए पे आ गया मई के एंड में या जून के फर्स्ट में, फिर से 1500 पे आ गया। जिसने यहां 1500 में ले लिया, आप देखें कि डेढ़ महीने के अंदर उसने 1500 से 1900 अगर देखा जाए तो लगभग 25% आ कर लिया। बैंक 6% दे रहा है पूरे साल भर के बाद, आपने एक महीने में निकाल दिया 20%, वो भी इंडिया की टॉप कंपनी के साथ। तो ये फंडामेंटल प्लस टेक्निकल का कॉम्बिनेशन अगर आपके पास है तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रॉक इन द शेयर मार्केट, यू आर गोइंग टू मैक्सिमाइज योर वेल्थ थ्रू द म्यूचुअल फंड। इवन दो आप ये भी सीख जाएंगे कि कैसे आप FD और शेयर मार्केट का बैलेंस बना सकते हैं। जब मार्केट आपको लग रहा है बिल्कुल पीक पे पहुंच रही है, ऊपर आ गया दाम, तो थोड़ा थोड़ा शेयर बेच लीजिए। इसको बोलते हैं प्रॉफिट को बुक करना, और वो पैसा बेच के बैंक में ले लीजिए। बैंक में आ गया तो 6% मिलने लगा, और फिर लगा मार्केट नीचे आई है तो बैंक से पैसा निकाल के फिर से क्या करो, इन्वेस्ट कर दो। तो मिनिमम आपको 6% तो मिलेगा ही मिलेगा, और जैसे ही सस्ता हो रहा है शेयर मार्केट तो बैंक से पैसा निकाल के स्टॉक मार्केट के म्यूचुअल फंड में आपने स्विच कर दो। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही है, अभी वीडियो ओवर हो जाएगा। आप जो है 3:15 या थोड़ी देर बाद जब वीडियो एस्टैब्लिश हो जाएगा स्क्रीन पे, यूट्यूब प्रोसेस कंप्लीट करेगा, देन यू विल जस्ट राइट योर फुल नेम अलोंग विद योर एक्चुअल, जो भी आपका सही फीडबैक मिला है इस लेक्चर से, जो जो आपने सीखा उसको डिटेल में, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि हमें और आगे आगे क्या करना है। तो अपना फुल नेम, फर्स्ट नेम एंड सर नेम अलोंग विद योर फीडबैक ऑफ द कंसेंट प्रोग्राम। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वेबिनार, गेट इन टच, आपको सर्टिफिकेट आपके मेल पे मिल जाएगा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो उसमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस।